हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरेंस आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर सेवन क्लिम्सिस ऑफ इंडिया का पार्ट टू कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल तो बच्चों अगर आप मेरी वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप एक बार क्लास टेंथ की जो मेरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें जरूर जाइएगा वहां पर अपडेटेड वीडियोस में आपको सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के अलावा वन मार्क क्वेश्चंस टू मार्क क्वेश्चंस के अलग से क्वेश्चन मिलेंगे थ की एम सी क्यूज के नाम से है प्ले और इसके अलावा आपको क्लास टेंथ की ही एसिस्ट की वीडियोज भी मिल जाएंगी जो कि डिफरेंट नेम्स के अकॉर्डिंग वहां पर रखी गई हैं डाली गई हैं तो यहां बताना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मिडवे बिटवीन माइसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ आपको एक ब्लैंक को कंप्लीट करना है अ पीस ऑफ क्या है वो लैंड अ पीस ऑफ क्लॉथ पीस ऑफ हेवन और रिवर और करेक्ट आंसर है हेवन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यानी कहाँ की ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग और कोडागु ऑप्शन है बिहार कोलकाता कर्नाटका केरला और बच्चों करेक्ट आंसर है कर्नाटका की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको बताना है हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कुर्ग यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट ने कितना एरिया कवर किया हुआ है आ, कुर्ग का तो ऑप्शन है टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट और फोर्टी परसेंट और यहां करेक्ट आंसर है थर्टी परसेंट अब चलते हैं क्वेश्चन फोर के लिए इन विच सीजन द विजिटर्स रिमेन अवे फ्रॉम कुर्ग यानी ऐसा कौन सा सीजन है जब विजिटर्स जो है वो कुर्ग से दूर रहते हैं वहां जाना पसंद नहीं करते तो ऑप्शन है इन ऑटम सीजन इन स्प्रिंग सीजन इन विंटर सीजन और इन रेनी सीजन यानी पतझड़ के टाइम में बसंत के टाइम में विंटर यानी सर्दियों के वक्त या फिर बरसात के सीजन में और बच्चों यहां करेक्ट आंसर है इन रेनी सीजन आप चलते हैं क्वेश्चन फाइव के लिए वेन डज द सीजन ऑफ जोए कमेंस एंड कॉन्टिन्यूज टिल मार्च आपको बताना है कब ये शुरू होता है और मार्च तक ये चलता है तो ऑप्शन देखिए जुलाई अगस्त सेप्टेंबर या फिर अक्टूबर और करेक्ट आंसर है बच्चों यहां पर सेप्टेंबर आप चलते हैं क्वेश्चन सिक्स के लिए व्हाट कैन बी सी इन टैक्ट अंडर ट्री कैनोपीज़ इन प्राइम कॉर्नर्स आपको पेड़ों के नीचे जो है क्या चीज मिलेगी प्राइम कॉर्नर्स में तो ऑप्शन है कॉफी एस्टेट्स या फिर कॉलोनियल बंगलोस या फिर ऑप्शन ए या बोथ ए एंड बी तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एन बी यानी कॉफी एस्टेट्स भी मिलेंगी और साथ में कॉलोनियल बंगलोज भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन सेवन में आपको बताना है द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली कंसीडर्ड एज ऑफ ग्रीक और डैश डिसेंट ऐसा क्या माना गया कि या तो ग्रीक लोगों की वो संतान हो सकते हैं या फिर इन लोगों की संतान हो सकते हैं जो कि ब्लैंक में आपको फिल करना है नेपाली अफगानी इराकी और अरेबिक और करेक्ट आंसर है बच्चों यहां पर अरेबिक पीपल अब चलते हैं क्वेश्चन एट के लिए आपको बताना व्हाट इज कंसिडर टू बी द रीजन ऑफ एलेक्सन एलेक्स आर्मी टू सेटल हियर यानी जो सिकंदर की आर्मी थी उनके लोग यहाँ सेटल हुए उसका क्या रीजन हो सकता है ऑप्शन है दे वर इम्प्रेस बाय द कल्चर यहाँ के लोगों के कल्चर से इम्प्रेस थे या यहाँ का जो क्लाइमेट है उनको अच्छा लगा या फिर द रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल या उन लोगों के लिए वापसी बड़ी मुश्किल हो गई थी या फिर बिकॉज दे दर वे या वो रास्ता भटक गए थे और बच्चों करेक्ट आंसर है बिकॉज द रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल तो उन लोगों ने यहीं पर सेटलमेंट कर ली यहां की जो लोकल लेडीज हैं उनके साथ शादियां कर ली इसीलिए उनका जो कल्चर है थोड़ा डिफरेंट लगता है हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग क्वेश्चन uh, नाइन में आपको बताना है फ्रॉम वेयर द थियोरी ऑफ अरेब ओरिजिन गेट सपोर्ट आपको बताना है कहाँ से जो अरेब uh, ओरिजिन की जो थियरी है उसकी सपोर्ट मिलती है या ऐसा माना जाता है कि वाकई ये अरेब वाली थियरी करेक्ट है ऑप्शन है फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट फ्रॉम द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट फ्रॉम द शॉर्ट ब्लैक कॉट और फ्रॉम ऑप्शन देखिए बोथ ए एन बी तो बच्चो यहां करेक्ट आंसर है बोथ ए एन बी अब चलते हैं क्वेश्चन टेन के लिए कुपिया ड्रेस वोर्न बाय द कोदावुज यानी जो कुपिया ड्रेस है कोदावुज लोग पहनते हैं रिजेंबल द डैश वोन बाय द अरेब्स एंड कुरस यानी वो ड्रेस किन लोगों से मिलती जुलती है जो कुर्द और अरेब पीपल पहनते हैं तो ऑप्शन है कुफिया या के यू डबल एफ आई या के यू एफ आई कुफिला या फिर कुटिला तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है कुफिया आप चलते हैं क्वेश्चन इलेवन के लिए क्वेश्चन इलेवन क्या है द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड वन इन द इंडियन आपको पता ना इंडिया की आर्मी नेवी या एयरफोर्स या इन सभी के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा डेकोरेटेड मानी गई है तो बच्चों करेक्ट आंसर है वो इंडियन आर्मी की बात की गई है क्वेश्चन ट्वेल्व की बात करें तो जनरल कैरियप्पा जो फर्स्ट चीफ हैं ऑफ द इंडियन फिर से बताना है वो इंडियन आर्मी के चीफ हैं या फिर इंडियन नेवी किया एयरफोर्स किया ऑल द अबव वो एक कुर्गी थे तो बच्चों करेक्ट आंसर है इंडियन आर्मी यानी आर्मी इसका करेक्ट आंसर जो जनरल कैरियप्पा के, के बारे में बात कही गई है अब क्वेश्चन थर्टीन देखते हैं डैश आर द ओनली पीपल टू कैरी अ फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस आपको बताना है ये लोग हैं जिनको सिर्फ जो है विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स उठा सकते हैं तो ऑप्शन है केवदास केवरस कोदावुज और किलवर्स और करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी इसका मतलब क्या है कुर्ग और कोदावुज दोनों सेम है यानी कुर्ग लोगों को परमिशन होती है वो फायर आर्म्स उठा सकते हैं बिना लाइसेंस के क्वेश्चन uh, 14 में देखिए फ्रॉम वेयर द रिवर कावेरी गेट्स गेट्सिस वाटर यानी रिवर कावेरी को पानी कहां से मिलता है फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग a, और सेकेंड है फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग थर्ड है ओनली ए और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी तो बच्चों करेक्ट आंसर है जो रिवर कावेरी है उसको पानी मिलता है कहां से हिल्स और फॉरेस्ट जो कुर्ग के हैं अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज ए महासीर महासीर क्या है तो ऑप्शन है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश ए लार्ज रिवर वाटर फिश लार्ज सी फिश ए स्मॉल वाटर फिश और करेक्ट आंसर है ए लार्ज फ्रेश वॉटर फिश क्वेश्चन सिक्सटीन में देखिए वाई डू द किंग फिशर्स डाइव यानी किंग फिशर्स जो है डाइव मतलब जम क्यू लगाते हैं पानी में ऑप्शन है फॉर द गेम फॉर द कैच और फॉर दे इंजॉय और फॉर दे टाइम पास और करेक्ट आंसर है फॉर देयर कैच अब क्वेश्चन सेवनटीन में देखते हैं वाई डू लंगूर इन स्कॉर्ल्स यानी जो लंगूर और स्कोर्ल गिलहरी होती है ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट यानी थोड़ा सा फ्रूट खाएंगे उसको पानी में फेंक देंगे ऐसा क्यों टू टीज द टोटॉयज कछुए को परेशान करते हैं या फिर फॉर द मिस्चीव टू एन्जॉय द स्प्लैश इफेक्ट इन द वॉटर और फॉर द मिस्चीव टू एंजॉय द रिपल इफेक्ट इन द वॉटर और लास्ट है बोथ बी एन सी इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वो जानबूझ की शरारत करते हैं ताकि पानी में रिपल्स यानी लहरों की जो वो मूवमेंट होती है उसको एन्जॉय कर पाए और करेक्ट आंसर है बच्चों यहां पर बोथ बी सी आप चलते हैं क्वेश्चन एटीन के लिए अब आपको बताना है व्हाट डू द एलिफेंट्स एंजॉय मोस्ट एलिफेंट्स को क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है एटिंग बनानास बीग बेथ इन द रिवर बाय देर महाउस इंजॉय बींग स्क्राफ इन द रिवर बाय देयर महाउस और लास्ट है बोथ बी सी और करेक्ट आंसर है बोथ बी सी आप चलते हैं क्वेश्चन नाइनटीन के लिए आपको बताना है हु कीप्स ए वॉचफुल आई ऑन द ट्रेवलर फ्रॉम द ट्री कैनोपी जब भी वहां पर विजिटर्स जाते हैं उन उनपे एक नजर कौन रखता है मैकॉक्स जो कि एक मंकी की एक क्रीड है मेलबर्स क्वर्ल्स की लहरी या फिर लंगूर्स और सिलेंडर लॉरिस और ऑल ऑल द और बच्चों करेक्ट आंसर है ऑल द एब अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी के लिए व्हाट लीड्स टू दिक्कटी फोर एकर आइलैंड ऑफ निसर्ग दिसर्गधमा तक जाने का रास्ता क्या है एक स्टोनी पाथ ए लॉन्ग वे अ शॉर्ट वे अ वॉक अक्रॉस अ रॉप ब्रिज और वहां पर जाने का रास्ता है ए वॉक अक्रॉस अ रॉ ब्रिज यानी रस्सियों से बना हुआ ब्रिज अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी बोनस फॉर द विजिटर्स आपको बताना है विजिटर्स के लिए सबसे जो बड़ा जो बोनस क्या है रनिंग इन टू बुद्धिस्ट मॉन्ग फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट्स एट नियर बाय बाय या फिर टू एंजॉय द एडवेंचरस एक्टिविटीज जो वहां पर होती है या फिर रिवर विजिट को एंजॉय करते हैं या फिर सीनिक ब्यूटी जो है वहां की और बच्चों करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग सर क्लासेज एंड हैव वेरी नाइस डे